हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस डिस्कशन करेंगे, साथ ही हम लोग उसके ओपन इंटरेस्ट और कहाँ पर कॉल पुट रेशो के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए जो टू स्टॉक्स लेकर आता हूँ उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो हमारे स्विंग ट्रेड के स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के स्टॉक है, सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले इस वीकेंड के वीडियो पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं निफ्टी पर। दोस्तों अगर मैं 1 आवर के चार्ट पर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखने की है। क्या चीज़ें ध्यान रखने की दोस्तों, कि ये जो इसकी क्लोजिंग दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर एज पर हुई है। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, अपना जो 1 आवर का जो सपोर्ट लेवल था उसने यहाँ पर उसको ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा 5 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ और क्लियरिटी हो जाएगी इसके चार्ट की। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने 5 मिनट का जो अपना चार्ट है उसको काफ़ी हद तक, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको रियलाइन करूँगा तो मुझे दिखेगा कि यस इसने यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक डाउन किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो इसने क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल यहाँ पर डॉट टू डॉट क्लोजिंग दी है, ना ऊपर ना नीचे। तो अब दोस्तों न्यूज़ के हिसाब से तो जो F&O के जो टैक्स वगैरह की जो र्यूमर है या एक्चुअल न्यूज़ है पता नहीं, जो भी है, क्योंकि र्यूमर का भी दोस्तों मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ह्यूमर्स भी हैं तो भी दोस्तों हमको मार्केट उसका रिएक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं कि भाई ह्यूमर्स यहाँ पर आ रहे हैं, अफवाहें उड़ रही हैं तो हमको कुछ लेना देना नहीं, मार्केट को अफवाहों से भी लेना देना है दोस्तों। तो ये जो थोड़ा सा काफ़ी दिन से अप ट्रेंड में था, कल मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस आया, क्यों, उस अफवाह की वजह से हम बोल सकते हैं। और भी 2-3 रीज़न है दोस्तों, छोटे छोटे रीज़न है, तो उन रीज़न की वजह से दोस्तों इसने एक अपना अप ट्रेंड यहाँ पे अब चेंज किया है और हल्का सा दोस्तों यहाँ पर नीचे आया। अब अगर हम इसमें शॉर्ट सेल की पोजीशन या पुट बाई की बनाते तो क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी डार्क लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट एक बार उसने इस वाली लाइन का, यहाँ पर अगर हम बात करें 19 जून का और 21 का, यहाँ पर ऑलरेडी एक बार काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट देने की यहाँ पे कोशिश की, ब्रेकआउट देके हल्का सा ऊपर क्लोजिंग हुई। अब दोस्तों फिर से अगर ये किसी तरह गैप अप ओपन, डेली क्या हो रहा है दोस्तों, गैप अप ओपन होता है फिर नीचे गिरता है, गैप अप ओपन होता है फिर नीचे गिरता है, गैप अप ओपन होता है फिर नीचे गिरता है। दोस्तों अगर कल भी, अगर कल तो गैप अप तो मुश्किल है, यहीं कहीं इधर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो सकती है इसकी, इधर ही अगेन स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा, मैं जब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा इसने एक स्ट्रडल बनाया हुआ है, स्ट्रडल में आपको दिखा दो दोस्तों यहाँ पर उसने, इधर ध्यान से देखना दोस्तों, इस जगह 23,000 और ये क्या है 24,000 पर, इतना बड़ा दोस्तों ने एक स्ट्रडल बनाया। स्ट्रडल में क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग, आजकल में भी शॉर्ट सेल बोल रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग वाले जो होते हैं, अगर उनको 27 का है दोस्तों, ये 27 की एक्सपायरी का है, 67,000 में अगर शॉर्ट सेलिंग की है तो उनका दोस्तों 1% 2 दिन के अंदर कहीं भी नहीं गया, कहीं भी। आपको लगता है 2 दिन कब इसकी एक्सपायरी, कब निफ्टी की एक्सपायरी, 27 आज मार्केट खुलेगा मंडे, 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर दोस्तों आपको लगता है कि मार्केट, ये जो स्ट्रडल बना हुआ है यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, 1 करोड़ कॉल राइटर बैठे हुए हैं नीचे, बैठे अगेन 1 करोड़ पुट राइटर्स दोस्तों। तो अब अगर ये और यहाँ फंसा हुआ है दोस्तों बिल्कुल मैक्स पेन पे स्ट्राइक प्राइस, जो अभी करेंट मार्केट है मैक्स पेन पे बुरी तरह फंसा हुआ दोस्तों मार्केट, तो ये जो बनाकर बैठे दोस्तों 99.99%, ये जरूर 85% दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको ही पता है कि यहाँ पे 99% को 1% यहाँ पे कहीं भी नहीं गया। अगर आप सोचोगे 67,000 लगा के 1% मिल रहा है तो उससे इसको और कम भी किया जा सकता है। मैं ऑप्शन सेलिंग पे दोस्तों अभी 2-3 महीने से स्टार्ट किया है, काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, मैं कुछ दिन बाद इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो अगर मैं इसको और भी कम करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं 2-2 रुपये का एक एक वो बाई कर लेता हूँ हेजिंग के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर देख लो 61 हो गया। तो इससे दोस्तों हम लोग इस पर यहाँ पर आराम से 1% के आसपास का यहाँ पर आराम से श्योर शॉर्ट काइंड ऑफ पैसा है दोस्तों इस समय पर। तो दोस्तों मार्केट बिल्कुल एकदम स्टेबल पोजीशन पर है फिलहाल, इंट्राडे वालों के लिए दोस्तों ज़रूर मार्केट ठीक ठाक है। कल अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो हम आराम से पुट की तरफ जा सकते हैं। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पूरा चार्ट एक बार फिर से, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ओरिजोनटल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं अलर्ट भी लगा देता हूँ डाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको अलर्ट आ जाएगा POT बाय। दोस्तों अलर्ट है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट
किया हुआ है दोस्तों फिलहाल मैंने फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और यही नहीं दोस्तों, और भी यहाँ पर जो हमारे डेली स्टॉक्स प्रोवाइड करो, जैसे कल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दो स्टॉक्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इनके भी अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहे तो आपको टेलीग्राम पे उनका अलर्ट आ जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसको क्रॉसिंग अप कर दिया, ठीक है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट देगा यहाँ पर तो ये अलर्ट आपको आ जाएगा, और ब्रेकडाउन देगा तो भी दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं। ब्रेकडाउन तो भी आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम अलर्ट की थोड़ी सी एक बार शक्ल दिखा देता हूँ किस तरह दिखता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे एग्जांपल कब की बात है भाई, ये कब दिया था, 19 जून को मैंने दिया था। सो एनटीपीसी और हिंडाल्को देख लेते हैं, एनटीपीसी और हिंडाल्को में क्या हुआ है। एनटीपीसी हिंडाल्को, तो दोस्तों यहाँ पर हिंडाल्को ने कब दिया था, 19 को दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको हिंडाल्को ने 19 को कितने बजे दिया, 10:10 पे अलर्ट कब आया हम लोगों को, हिंडाल्को का 9:30 बजे अलर्ट आया, तो 9:30 बजे दिया होगा यहाँ पर। ये देख रहे हो 9:30 बजे से यहाँ पे हल्का सा लाइन को टच किया और हमको अलर्ट आया टेलीग्राम पे। ऐसे ही एनटीपीसी का कब अलर्ट आया, 9:27 पे। एनटीपीसी देख लेते हैं 9:27 पे क्या हुआ। ये देखिए 9:27 पे एनटीपीसी का अलर्ट आया कि भाई इसने लाइन को ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ पर सीधा 1% और जो भी हो इसका 1.5% के आसपास का मूवमेंट निकाल कर दिया। तो इससे दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाते हैं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना तो बिल्कुल फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम लिंक, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो अब कल के जो स्टॉक थे दोस्तों, पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ आप लोग के, ऑफकोर्स यही वाला है, और इसके टेलीग्राम अलर्ट सर्विस आप लोग लगा के रखें यहाँ पर। अब दूसरा स्टॉक की बात कर लेते हैं, भी दूसरा स्टॉक कौन सा है। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैंने KSB लेकर आया हूँ। KSB दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, प्रॉपर एनालिसिस करूँगा। ये देखिए यहाँ पर कितना स्मूथ यहाँ पर रेजिस्टेंस किया। अब अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर इसके भी आपको अलर्ट आ जाएंगे। क्रॉसिंग अप यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ लिखना चाहूँगा, बिग टारगेट। बिग टारगेट मतलब 5% के आसपास। इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्विंग ट्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बात आती है स्विंग ट्रेड की दोस्तों, मैं स्विंग ट्रेड पे क्विकली आपको लेके चलता हूँ। स्विंग ट्रेड पे ले जाने से पहले दोस्तों मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊँगा, वीकली चार्ट। तो ये रहा दोस्तों वीकली चार्ट, ठीक है। तो ये एक स्टॉक सुजलॉन मैंने दिया था यहाँ पर, और इसका भी अलर्ट आया होगा दोस्तों। सुजलॉन का भी कहीं पे, या सुजलॉन का भी अलर्ट आया था, ओरिजिनल लाइन को ब्रेकआउट किया है। ये दोस्तों यहाँ पर मैंने कहीं इसका दिया था, तो इसने यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया इस मोमेंट पे अलर्ट भी आया हमको। उसके बाद उसने यहाँ पर कितना परसेंट, अभी 4% जैसा लिखा ना दोस्तों, 5% आराम से अभी इसमें एंट्री बिल्कुल बनती है, और ऑलरेडी 5% दे चुका है, अपर सर्किट भी लग चुका है। तो इसमें जिनने एंट्री ली बिल्कुल अच्छी बात है, 5% वो लोग होल्ड कर सकते हैं। न्यू एंट्री अभी अवॉइड करो इसमें, हालांकि अपर सर्किट लगा है तब भी न्यू एंट्री, आपको अगर न्यू एंट्री लेने का ही शौक है तो दोस्तों इस वाले स्टॉक में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसने अभी तक अपना ब्रेकआउट नहीं दिया है। ध्यान से देखो दोस्तों, ये वीकली कैंडल आप लोगों के सामने ओपन है, 24 फेब और 24 जून। वाओ, मार्च अप्रैल मई जून, एग्जैक्ट 4 मंथ के बाद दोस्तों यहाँ पर ये अपने ब्रेकआउट देने की बिल्कुल कगार पर खड़ा हुआ है। अब मैं इसको डे के कैंडल में लेके चलता हूँ तो क्या दिखेगा दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा दूर है। अब मैं इसको अगर 5 मिनट के मैं दिखाता हूँ तो एक चीज़ देखना दोस्तों, इसमें अपर सर्किट लगा है, ठीक है। कल आपको बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ, अगर रिस्की ट्रेडर है दोस्तों तो आप AM ऑर्डर लगा के सो सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो। AM क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरू के 5-10 मिनट में ही आपको एंटर होने का मौका मिल रहा है, शुरू के 1 आवर में ही आपको एंटर होने का मौका मिल रहा है, शुरू के 5-10 मिनट में ही आपको एंटर होने का मौका मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अपर सर्किट लग रहा है, फिर आप लोग एंटर नहीं हो सकते, यहाँ पर एंट्री ब्लॉक हो जाती है। तो कल भी दोस्तों हो सकता है कि इस तरह हल्का सा खुले और फिर अपर सर्किट लग जाए। आप लोग समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, इस मोमेंट पे आपको एंटर करना है। अब चलिए एक और स्टॉक, BEL गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक, इसको मैं एक बार वीकली पे लेके चलता हूँ। दोस्तों इसने अपना वीकली हाई बनाया था यहाँ पर, वीकली हाई बनाने के बाद इस जगह दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पे इसमें सेटलमेंट आया, 27% का इस वीक के अंदर सेटलमेंट आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब ये फिर से अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा शॉर्ट टर्म इफ़ ऑल वेल विथ मोदी गवर्नमेंट, ओके। ये मैंने लगाया था किसी रीज़न से,
अभी हटा देता हूँ मैं शॉर्ट टर्म, ठीक है, डेली कैंडल। अब बात करते हैं तो एक और स्टॉक की, ये भी दोस्तों वीकली स्टॉक है। ओके, इसमें दोस्तों यहाँ पर एक एक कैंडल एक एक वीक का है, मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाता हूँ आप लोगों को क्या चल रहा है यहाँ पर। एक वीक, दो वीक, तीन वीक, चार वीक, पाँच वीक, दोस्तों एक दो तीन वीक का हाई देख रहे हो दोस्तों, एकदम बिल्कुल सटा हुआ है ट्रेंड लाइन से, रेजिस्टेंस से। अब मैं इसको डेली भी कन्वर्ट करता हूँ, अब मैं इसको आवर्ली पे कन्वर्ट करता हूँ। तो आप जब मैंने आवर्ली पे कन्वर्ट किया तो आप देख रहे हो 15 मई, 18 मई, 31 मई, 4 जून, 12 जून और 18 जून। यहाँ पर दोस्तों अब अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, मैं 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो अब दोस्तों अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो ये रहा अलर्ट, तो अलर्ट में लगा देता हूँ। यहाँ पर क्या अलर्ट आएगा, बिग टारगेट 5%। तो ये थे दोस्तों हमारे स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स के बारे में। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म के बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कशन कर ही लेते हैं लगे हाथों। ये वाला स्टॉक दोस्तों एक्टिवेट हुआ था हमारा और इसमें मैंने खुद एंट्री ली, एंट्री लेके दोस्तों इसमें आराम से हमको अच्छा खासा मूवमेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि दो दिन से इसने वापस अपना डाउन ट्रेंड पकड़ा, लेकिन अभी भी दोस्तों जब तक यहाँ पर है आराम से इसमें अभी भी एंट्री बनती है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री थी, मुझे अच्छा, हालांकि मैंने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया दोस्तों, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा ग्रीन दिख रहा था, लेकिन मैंने एक दिन में इतना बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट नहीं किया था बना, लेकिन दूसरे दिन भी एक और लॉस हुआ। अभी मैं नहीं निकलूंगा दोस्तों, यहाँ पर पेशेंस टेस्ट होता है चीज़ों का, यहाँ तक आएगा तब भी मैं नहीं निकलूंगा दोस्तों, मैं होल्ड करके रखूँगा। इस तरह से और भी स्टॉक लगा रखे हैं, उनका अगर आपको अलर्ट ज्वाइन करना हो तो ये देखिए यहाँ पर लगा रखा है, इसका अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट क्या आएगा, आईपीओ स्ट्रेटजी दोस्तों, मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा आईपीओ स्ट्रेटजी क्या है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्टिवेट होंगे जब भी इसका ब्रेकआउट देगा। तो सो इतना ही था, सो आज की वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।